हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे त्रिपुरा माथा के वॉरियर्स हैं, हमारे त्रिपुरा सा लोग हैं। पिछले 3 दिन में बहुत लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि हम अलायंस करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक हमें राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोलेगा कि हमारा डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन को आप पूरा करेंगे, मैं अलायंस नहीं करूँगा। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैं आपको ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि 46 इयर्स में 1977 के बाद हर रीजनल तिपरासा पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली गया है और कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करके लाया है इलेक्शन के पहले, और इलेक्शन के बाद तिपरासा को कुछ नहीं मिला। मैंने पहले से कहा था और आज भी कह रहा हूं कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आर डिमांड। मैं दिल्ली गया, हम लोग सब दिल्ली गए, हमने उनका बात सुना। अगर हम नहीं जाते तो बोलते कि बुलाने के बाद भी नहीं गए, हम गए, अच्छे तरीके से उनका बात सुना। और मेरे दिल में एक बात क्लियर है कि उन्होंने राइटिंग में कुछ नहीं दिया है। मैं तिपरा मोथा वॉरियर्स को, अपने पूरे तिपरा सा को बोलना चाहता हूं, देयर विल बी नो अलायंस इन दिस इलेक्शन। आज हम लोग अपना कैंडिडेट नाम डाल रहे हैं और ये बात पूरा क्लियर हो गया है। मीडिया मुझे फोन करके तंग ना करे, मैं अलायंस नहीं कर रहा हूं। मैं इस इलेक्शन में फाइट करूंगा और उनको हराने के लिए फाइट करूंगा जो हमारे डिमांड के खिलाफ है। बी रेडी, जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो जरूर करेंगे हम। बेलाइनो हम बाय खुलूंगा।